वॉइस ओवर दिया रावण के कैरेक्टर पे, वो कैसा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था? क्योंकि रावण जो कैरेक्टर है एक डार्क कैरेक्टर है लेकिन काफी इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, काफी नॉलेजेबल कैरेक्टर है, तो आपने मतलब जो दिया है उसके बारे में बताइए क्या चैलेंज था? ये कहना कि मैंने फिल्म महायोद्धा राम में सिर्फ रावण के लिए आवाज़ दी है गलत होगा। मैंने इस फिल्म में रावण का अभिनय किया है, क्योंकि डायरेक्टर रोहित जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है उनका ये मानना था, उनका ये सोचना था कि वो मुझसे पहले रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं और 10-15 कैमरास लगाकर मुझे शूट करना चाहते हैं, वो डायलॉग बोलते हुए, वो एक्टिंग करते हुए, फिर उन कैमरास को देखकर, उस फुटेज को देखकर जो एनिमेटर्स हैं वो रावण के एक्सप्रेशंस, रावण की बात करने का तरीका उसे ड्रॉ करेंगे, उसे टेक्निकली एनिमेशन के जरिए स्क्रीन पर पहुंचाएंगे। आप देखिए ना कि मैंने उससे पहले बहुत फिल्मों में डबिंग की आवाज दी, तो डबिंग करने के टाइम पे आप एकदम रिलैक्स होते हैं क्योंकि आपकी सिर्फ आवाज की बात है। जब एक हॉल में आपके सब तरफ कैमरे लगे हैं, 10 कैमरे लगे हैं, वो कैमरा आपका हर एंगल, हर स्लाइटेस्ट ऑफ ट्विच, चेंज ऑफ एक्सप्रेशन, यू नो, टर्निंग ऑफ आईज, हर चीज को कैप्चर कर रहा है, और उस समय कैप्चर कर रहा है जब आप पूरी लगन के साथ एक्टिंग कर रहे हैं। तो मैं इस फिल्म को महायोद्धा राम में रावण के कैरेक्टर को करने में बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत इंटरेस्टिंग रहा और चैलेंज महसूस हुआ, इसलिए क्योंकि या तो एक्टिंग करते हैं आवाज अपने आप निकलती है, या जब डबिंग करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ आवाज पर है, पर यह पहली बार था जहां पर डायरेक्टर ये चाहता था कि आप एक्टिंग करें लेकिन एक बंद कमरे के अंदर जहां पर कि सब तरफ से कैमरे आपको घेर कर उसे कैप्चर करें। सर, आपने इंटरेस्ट में बोल रहा हूं, जैसे कि ये आपने बताया कि आपके पहला है, कितना अलग एक्सपीरियंस था इस तरीके का कैरेक्टर करना और कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप इस किरदार को करने के लिए? रावण का कैरेक्टर क्या और क्या क्या मतलब आपने कुछ क्या क्या मतलब उसके ऊपर देखा और किस तरीके से मतलब आपने इस पे किया? रावण का कैरेक्टर वैसे ही बहुत ही चैलेंजिंग है, एक एक्टर के लिए बहुत यू नो खुशकिस्मती की बात है कि आपको रावण का रोल निभाने को मिल रहा है, क्योंकि ये वन डायमेंशनल कैरेक्टर नहीं है, मल्टी इमोशंस हैं उसके कैरेक्टर के अंदर, और मेरे लिए ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि मैं एक मशहूर बैड मैन हूँ, तो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जब रावण के कैरेक्टर को करूँगा स्क्रीन पर तो उसमें कुछ नई बात होगी, कोई इंटरेस्टिंग बात होगी जो लोगों को पसंद आएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है जब लोग फिल्म महायोद्धा राम देखेंगे तो उन्हें मेरे द्वारा पेश किया गया रावण का कैरेक्टर जरूर पसंद आएगा। दिल्ली में रामलीला में आपने काफी परफॉर्म किया है, तो वो एक्सपीरियंस काफी काम आया आपको यहाँ पे? बिल्कुल जी, मेरा अभिनय में मेरी शुरुआत रामलीला से हुई, जहां पर मैं रहता था दिल्ली की आउटस्कर्ट्स पर, त्रिनगर में, वहाँ पर पहले मुझे वानर सेना में, हनुमान जी की सेना में रोल मिलता था, रावण जी की सेना में, बाद में करते करते मुझे मेघनाथ तक का रोल मिला, उसके बाद ऑफ कोर्स मैं कॉलेज की पढ़ाई के बाद बंबई आ गया, तो उसके बाद मैंने रामलीला में काम नहीं किया। आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काफी काम किए हैं जी, काफी नए बच्चे, भारत देश के कमर्शियल सिनेमा का मैं पहला एक्टर हूँ जिसने बॉलीवुड टू हॉलीवुड का ट्रांजिशन शुरू किया, मैं पहला भारतीय कमर्शियल सिनेमा का एक्टर हूं जिसने बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच में एक मट्टी का रास्ता बनाया, एक पगडंडी बनाई, और आज मुझे फख्र है, खुशी है कि उस मट्टी के रास्ते को बहुत मेरे साथी कलाकार सीमेंट कर रहे हैं, पक्का मजबूत कर रहे हैं, उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे कलाकार हम भारतीय सिनेमा का नाम रोशन कर रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, इरफान खान, बहुत सारे कलाकार, और आने वाले समय में बहुत सारे यंग कलाकार भी उस मट्टी के कच्चे रास्ते को जो मैंने बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच में बनाया उसे और मजबूत और शानदार बनाएंगे। तो सर, इस अचीवमेंट के लिए हर कोई प्राउड फील करता है आपके लिए, बिल्कुल ये बताइए कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं क्या अभी? इस समय बात
महायोद्धा राम की है। इस समय बाद जो मैंने रावण की भूमिका की है इस फिल्म में उसकी है, मैं बात उसी पे क्या कहते हैं यू नो कॉन्सेंट्रेट करूँगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर मैं आप बुलाना चाहूँगा एक्चुअली यार अभिमन्यु एंड रोहित है, रोहित एक अरे अभिमन्यु जी रोहित रोहित यार पहले तो ये जो दोनों पैशनेट आदमी है जिनकी मैं आइए ना यार अरे आइए फिल्म के प्रोड्यूसर अभिमन्यु जी और डायरेक्टर रोहित जी मैं मैं क्या कहते हैं कि दाद देना चाहूँगा इनके पैशन की, लगन की, रोहित की फॉरवर्ड थिंकिंग की कि किस तरह से मैंने बताया इन्हें रोहित के उन्होंने कहा कि आपने वॉइस ओवर दिया, आई सेड वॉइस ओवर नहीं मैंने इस फिल्म में एक्टिंग की क्योंकि डायरेक्टर ने कहा कि मैं 10 कैमरे लगाकर पहले आपको एक्टिंग करते हुए आवाज़ देते हुए रिकॉर्ड करूँगा फिर एनिमेशन करूँगा। आप बताओ भाई इसके बारे में कुछ डायरेक्शन के एस्पेक्ट से बड़े बड़े कलाकार गुलशन सर हैं जिमी सर मोर देन दैट एनिमेशन फिल्म काम ऐसे करती है कि जब तक इनसे इनकी एक्टिंग सही नहीं हो इनका वॉइस ओवर सही नहीं हो इनकी आवाज़ सही नहीं हो तो कोई एक्टिंग हो नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में आई थिंक चैलेंज क्या था इनको सिर्फ बताना था रोल क्या है बाकी ये लोग लेके निकल गए। इनका जो रोहित की क्लैरिटी तो पहली चीज मुझे एकदम जबरदस्त इम्प्रेस की कि हाउ क्लियर ही वॉज। मैं जब अलग अलग तरह के डायलॉग अलग अलग तरह के सीन कर रहा था तो रोहित बस दो शब्द में आके कोई चीज़ बताते थे मैं कहता था कि सर इस तरह से एंड इट वाज सो क्लियर। मैं ऐड करना चाहूँगा ऑफ कोर्स कि यू नो वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट प्रोड्यूसर अभिमन्यु जिन्होंने एनिमेशन फिल्म में आप जैसे जानते हैं कि काफ़ी समय लगता है बनाने में बहुत खर्चा होता है बहुत पैसा लगता है एंड उसी पैशन को उतने बरस तक कंटिन्यू करना और ज़्यादा जोश के साथ में फिल्म को लोगों के सामने लेकर आना इज समथिंग दैट रियली रियली क्रेडिट गोज़ टू द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म।